जिम स्टार्ट करने के बाद हेयर लॉस कम होना चाहिए, लेकिन अगर जिम स्टार्ट करने के बाद हेयर लॉस बढ़ गया है या हेयर लॉस कम नहीं हो रहा है तो आप इन 10 में से कोई मिस्टेक कर रहे हैं। हाय, आई एम डॉक्टर अशोक सिन्हा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड हेयर एक्सपर्ट, एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक चैनल एडॉन हेयर केयर। अगर आपको हेयर का इशू है तो एडॉन हेयर केयर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पर फ्री व्हाट्सएप कंसल्टेशन ले सकते हैं। जिम जाने के बाद वो कौन से 10 मिस्टेक्स हैं जिसके कारण हेयर लॉस बढ़ता है? फर्स्ट मिस्टेक, जरूरत से ज्यादा वेट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ज्यादा वेट ट्रेनिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी, और डीएचटी अगर आपका जेनेटिक हिस्ट्री है तो डीएचटी से बढ़ेगा डीएचटी हाइपरसेंसिटिविटी, और डीएचटी हाइपरसेंसिटिविटी से होता है हेयर लॉस। तो अगर आपका पर्पस फिट रहना है तो 30 मिनट्स कार्डियो और 15 मिनट्स वेट ट्रेनिंग सफिशियंट है। पर हाँ, अगर आपका पर्पस बॉडी बिल्डिंग या कॉम्पिटिशन खेलना है तो बाल भूल जाइए। सेकेंड मिस्टेक, गलत वे प्रोटीन लेना। वे प्रोटीन दो तरह का होता है, कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट। आइसोलेट में होता है ज्यादा BCAA। BCAA यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। BCAA से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन। वे प्रोटीन में एक इशू और भी है, अगर आप इंपोर्टेड वे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक, ऑक्सीटोसिन, स्टेरॉइड इतना ज्यादा होता है कि वो हेयर लॉस कराने लगते हैं। सो पहले तो प्रोसेस्ड प्रोटीन या वे प्रोटीन अवॉइड करें, लेकिन अगर वे प्रोटीन लेना ही है तो एक स्कूप लें, वो भी कॉन्सेंट्रेट लें, और ऐसे इंडियन वे लें जहां गायों या भैंसों को हर बात के लिए इंजेक्शन नहीं दिया जाता हो। मतलब इंजेक्शन फ्री मिल्क का बना हुआ वे प्रोटीन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, और जब एक्सरसाइज करें तभी वे प्रोटीन लें, क्योंकि बगैर एक्सरसाइज के वे प्रोटीन को पचाना ईजी नहीं है। थर्ड मिस्टेक, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ले रहे हैं तो हेयर लॉस होगा ही होगा। फोर्थ मिस्टेक, एनाबोलिक स्टेरॉइड जैसे नैंड्रोलोन, ऑक्सेंड्रोलोन, ऑक्सीमेथोलोन, स्टेनोजोलोन एंड ट्रेनबोलोन एसीटेट अगर आप ले रहे हैं तो दोबारा सोचिए, इनसे भी हेयर लॉस होता है। फिफ्थ मिस्टेक, हर वर्कआउट के बाद शैम्पू करना। वर्कआउट के बाद हर बार बाल धोएं पर हर बार शैम्पू नहीं करें, नहीं तो हेयर लॉस होगा। सिक्स्थ मिस्टेक, रात में जिम करना। इवनिंग में 7 बजे के बाद जिम ना जाएं। रात में वर्कआउट करने से आपका मसल और माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और स्लीप की क्वालिटी पुअर होती जाएगी, और रात में जिम करने के बाद आपका डिनर भी लेट होगा जिससे डाइजेशन लॉन्ग टर्म में खराब होता जाएगा, फिर पुअर स्लीप और बैड डाइजेशन से हेयर लॉस बढ़ेगा। सेवेंथ मिस्टेक, अचानक जिम बंद करना। अचानक जिम बंद करने से मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है, खाने का हैबिट वही रहता है, मसल स्मॉल होने लगता है, जिसके कारण भी हेयर लॉस होता है। एथ मिस्टेक, अपने बॉडी को एक्सेस पुश करना। अपने आप को एक्सरसाइज के लिए ज्यादा पुश करने से बॉडी स्ट्रेस में जाता है और हेयर लॉस होता है। नाइन्थ मिस्टेक, फीमेल होकर मेल के जैसे मसल बिल्डिंग। फीमेल मेल के जैसे मसल बिल्डिंग के लिए ना जाएं। ज्यादा वेट के साथ वेट ट्रेनिंग ना करें। कार्डियो और एरोबिक डांस उनके लिए अच्छा है, नहीं तो फीमेल में हेयर लॉस होगा। टेंथ मिस्टेक, क्रिएटिन प्रोटीन लेना, इससे भी हेयर लॉस बढ़ता है। ये थे 10 मिस्टेक जिनसे हेयर लॉस होता है। इन 10 में से आपका मिस्टेक कौन सा है? जो भी मिस्टेक है अब उसे बंद कर दें, हेयर लॉस कम हो जाएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से हेयर लॉस कम होता है। सो स्माइल एंड सब्सक्राइब।